अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने शेयर करने लगी हूँ ऐसी रेसिपी जो रमज़ान में भी आप उसको बना सकते हैं और वैसे चाय के साथ भी शाम को बना सकते हैं। इसका नाम है पोटैटो फ्राइज़। थोड़ी सी डिफरेंट है, पकोड़ा स्टाइल है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ले लिया मिक्सिंग बाउल। इसके अंदर मैंने तकरीबन डाल दिया है 1.5 कप बेसन, ये सारा डाल दिया है मैंने। साथ जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ, बारीक हरी मिर्च कुटी हुई, ये पकोड़ा मिक्स है नेशनल वालों का, वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। नमक है हसबे जायका, प्याज बारीक कटा हुआ है बिल्कुल, इसको मैंने ऐड कर दिया है। धनिया और पुदीना, इनको भी बारीक काट के मैंने रखा हुआ था, ये ऐड कर रही हूँ। और साथ ही थोड़ी सी पालक है बारीक कटी हुई, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है वो लिक्विडी सा बन जाए। आप देख सकते हैं इस तरह सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करनी है आपने। हल्का हल्का पानी डालना है ताकि साथ साथ हम इसको हिलाते रहें, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला। थोड़ा सा भी और मैं पानी इसमें मिक्स करूंगी, थोड़ा सा और पानी मिक्स करूंगी इसमें इंशाल्लाह। कोई भी काम है आप अल्लाह के नाम से शुरू करें, इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत भी ज़रूर होती है और अल्लाह के फजलो करम से वो बहुत अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं मैंने बैटर को मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे हम इसमें। ये देखिए बैटर हो गया है तैयार। ये था फर्स्ट स्टेप, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, आलू को मैंने छील लिया है, इनका एक खास साइज आपने काटना है। ये देखें जैसे ये लिया, इसके बीच में इसको इसके बस तीन पार्ट्स करने हैं, ये देखें आप बिल्कुल इस फॉर्म में काटना है। मैं और भी आपको काट के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़े से मोटे हैं और थोड़े से साइज में इस तरीके के हैं। इसी तरह आपने सारे आलूओं को काट लेना है। काट लिए हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है, फ्राई पैन मैंने रखा हुआ था तकरीबन 5 मिनट पहले। ये वो बैटर है जो बेसन का हमने बनाया था। इसमें आलू को आपने ऐसे डिप करना है और फिर आपने इन पोटैटो फ्राइज को ऐसे तल लेना है, ठीक है। वन बाय वन करके आप इसी तरह तमाम आलूओं की जो फ्राइज हैं उनको आप लगाते जाएंगे और इस तरह डालते जाएंगे। डिप अच्छा सा करना है ताकि सही डबल कोटिंग के साथ ये आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर पतला है तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बैटर इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। आप देख सकते हैं इसी तरह आपने सारे बैटर को मिक्स करके ऐड करते जाना है। पोटैटो फ्राइज़ हो रहे हैं हमारे तैयार, ये देखें आप इंशाल्लाह। ये देखें हमारे पोटैटो फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे ये फ्राई होते हैं, ब्राउन होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इनको डिश आउट करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये देखें आपके पोटैटो फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आएंगे। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।